जापान से बड़ा अपडेट है। आपको बता दें कि जापान के पीएम किशिदा के कार्यक्रम में धमाका हो गया। वाकायामा में पीएम के भाषण के दौरान धमाका हुआ। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा को सुरक्षित निकाल लिया गया वहां से। पीएम किशिदा को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं, कार्यक्रम में पीएम के खिताब के दौरान ही धमाका हो गया। वाकायामा में ये प्रोग्राम चल रहा था। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। इससे पहले आपको याद ही होगा, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी एक कार्यक्रम के दौरान, वो भी भाषण दे रहे थे। और अब ये बड़ा अपडेट आपको एक बार फिर जापान से मिल रहा है, जहां प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान धमाका हो गया। हालांकि प्रधानमंत्री किशिदा को महफूज जगह पर ले जाया गया है, उन्हें महफूज निकाल लिया गया इस जगह से। जापान के वाकायामा में प्रोग्राम चल रहा था, भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री किशिदा। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, उनके भाषण के दौरान ही यह धमाका हो गया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के भाषण के दौरान धमाका हो गया। बताया जा रहा है कि स्मोक बम के जरिए यह धमाका किया गया। अभी पुख्ता जानकारी नहीं है इस हवाले से, ये सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं किस तरह का ये हमला था। लेकिन ये हमले के बाद की तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री को यहाँ से महफूज निकाल लिया गया। बाल बाल बचे हैं फुमियो किशिदा, जापान के प्रधानमंत्री इस अटैक में बाल बाल बचे। बड़ा भीच अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं आप धमाके के बाद की। बाल बाल बचे हैं फुमियो किशिदा, पीएम किशिदा को महफूज बाहर निकाल लिया गया है। पीएम के भाषण के दौरान यहां धमाका हो गया। तस्वीरें धमाके के बाद की अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हालांकि बाल बाल बचे हैं प्रधानमंत्री, उन पर जानलेवा हमला हुआ। एक रैली को खिताब कर रहे थे, तभी उन पर बम फेंका गया।